वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको UTGST के बारे में बताऊंगी कि टैली में UTGST क्या होता है। तो UTGST क्या है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में 29 स्टेट्स हैं। यहाँ पे मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं करूंगी, और साथ में हमारे पास में 7 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, आंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और पौंडिचेरी। ये जो हमारे पास में आइलैंड्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 7 टेरिटरीज हैं हमारे में, जिसमें से 2 दिल्ली और पौंडिचेरी में हम GST नहीं लगाते। इसमें CGST और SGST ही लगती है, UTGST नहीं लगती है, क्योंकि इनके अपने विधानसभा हैं, अपने आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इनके सारे रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं अपने होते हैं। हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो अप नहीं होते हैं। लेकिन जो बाकी के 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन 5 यूनियन टेरिटरीज में हम CGST की जगह में UTGST लगाते हैं, और साथ में SGST लगेगी। यानी कि जो हम CGST और SGST लगाते थे, वहां पे हमें CGST नहीं लगानी है, UTGST लगानी है और SGST लगानी है। और यदि हम अदर आइलैंड से कोई काम करते हैं, जैसे कि हम अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं और चंडीगढ़ से कुछ खरीदते हैं, तो हम वहां पे IGST ही लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको UTGST क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने टैली को ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक नई कंपनी बना रही हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक कंपनी बना ली है। और इंडिया स्टेट में हम अंडमान एंड निकोबार ले लेते हैं, या चंडीगढ़ ले लेते हैं। ये सारी चीजें मैं ऐसे ही सेव कर देती हूँ, ठीक है। चंडीगढ़ मैंने क्यों लिया? क्योंकि यूनियन टेरिटरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सिंपली F11 प्रेस करेंगे और GST को लागू करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। अब दोस्तों, यहाँ पे GST एप्लीकेबल करने के लिए जो हमारे सामने ये विंडो आ रही है, देखिए सबसे ऊपर चंडीगढ़ ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे चंडीगढ़ सेलेक्ट किया। आप चाहें तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ GST नंबर 04 लेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का GST नंबर 04 से शुरू होता है, और प्रोसेस वही है GST नंबर लेने का, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको। 5 इंग्लिश, 4 मैथमेटिक्स वर्ड। ई वे बिल को मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। सेम प्रोसेस, कंट्रोल ए से सेव किया। अब यहाँ पे मैं कुछ लेजर्स को क्रिएट करने वाली हूँ दोस्तों। ALC टाइप कर रही हूँ मैं शॉर्ट के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेजर्स वही सिंपली सेल परचेज के बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स के अंतर्गत आ गया ये। परचेज अकाउंट बना लेती हूँ, एक परचेज के अंतर्गत आ जाएगा। पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट। अब यहां पर अब मुझे GST के लेजर, जैसे कि मैं बना रही हूं, अब मैंने यहां पे CGST लिया है, तो CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डी प्रेस करेंगे, ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहां पे देखिए दोस्तों, कॉलम में एक नया टैक्स जुड़ गया है, यूटी टैक्स, ये आपको दिख रहा है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स ही लेना है, क्योंकि CGST तो मुझे लगानी ही लगानी है। इसके साथ में जो मुझे SGST लगानी है, इसकी जगह मुझे UTGST का एक लेजर बनाना पड़ेगा। UTGST का, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स, ये देखिए, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स में GST ले लेंगे, और यहाँ पे यूटी टैक्स हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एक डेप्टर और क्रिएटर बना लेती हूँ मैं, फरहीन। इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है ये मेरे CR हैं, इसको मैंने सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर ले लिया है, S। चंडीगढ़ के ही हैं ये। अगर आप वहां पे आइलैंड चेंज कर देंगे, टेरिटरी चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको IGST लगेगी। मैं आपको बता दूंगी एक एंट्री आपको उस तरह की भी। यहाँ पे देखिए, मैंने इसका GST नंबर ले लिया,
एक एंट्री में आपको उसकी भी बताना जरूरी समझूंगी लास्ट में, पहले मैं इसको बता देती हूँ। और एक अपना डीआर ले लिया, गार्गी जो है वो मेरी डीआर है, सेंडरी डेप्टर के अंदर ले लेती हूँ मैं इसको एस। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं बार बार बताती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना, मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताने की फिर प्रोसेस करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिटेल में सारी चीज समझा देती हूँ, फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो आप मेरे को प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिंपली मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाके एक आइटम बना ले रही हूँ, स्टॉक आइटम डायरेक्ट बना लेती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो मैंने एक आइटम यहाँ पे सीलिंग फैन बना लिया, सीलिंग फैन, और यहाँ पे इसको प्राइमरी ऑल्ट सी से मैं इसका एक यूनिट बना लेती हूँ पीसेस में। यहाँ पे इसकी जीएसटी लगा देती हूँ, टैक्सेबल करके 12% टैक्स लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, एक ही आइटम बनाई है, आप ज्यादा भी बना सकते हैं ना। सबसे पहले परचेजिंग करनी है मुझको, तो जरा मैं एफएक्स से एक रिसिप्ट में एंट्री पास कर लूँ कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का मैंने लेजर नहीं बनाया था, जरा मैं उसको बना लेती हूँ कैपिटल अकाउंट। ये मैंने पैसा लगा दिया यहाँ पे 5 लाख रुपए का। सारा पैसा कैश में रख लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कोई बैंक वगैरह का लेजर नहीं बनाया, ये सब आप देख लेते हैं अपने आप। अब मुझे परचेजिंग करनी है, F9 की प्रेस करी मैंने कीबोर्ड से, इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने 78, और यहाँ पे क्रिएटर से परचेजिंग करूंगी, फरीन सीआर मेरी वो हो गई है परचेज अकाउंट। और यहाँ पे आइटम ले ली मैंने सीलिंग फैन अपना, जिसके मैंने 25 पीस खरीदे हैं, एक पीस मैंने 1500 रुपए का खरीदा है, या फिर थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको 2500 का खरीदा है, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे जीएसटी लगाऊंगी, तो मुझे जीएसटी क्या लगानी है, एक तो सीजीएसटी लगानी है और एक यहाँ पे यूटी जीएसटी लगानी है। यहाँ पे एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी टैक्स आता है, और इसका आप जब बिल प्रीव्यू देखेंगे ऑल्ट पी से और इसको यस कर देंगे, तो देखिए आपके सामने वाउचर प्रिंटिंग का वो आ जाएगा। इसको ऑल्ट जेड करके मैं जूम कर देती हूँ, देखिए इनवॉइस, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है टैक्सेबल वैल्यू, यूटी जीएसटी और जीएसटी, ये देखिए यूटी टैक्स दिखा रहा है, सेंट्रल टैक्स और यूटी टैक्स, यूनियन टेरेटरी टैक्स, ठीक है ना दोस्तों। 6-6% ये आपका लास्ट में आपको बिल हाईलाइट हो रहा है 70,000 रुपीज का। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे कि अब मेरा जो एक डेप्टर मैं बना लेती हूँ, एक परचेजिंग और करके दिखाती हूँ मैं आपको अदर स्टेट से। इस नंबर डाल दिया मैंने, पार्टी अकाउंट नेम डाल लेती हूँ फरीन सी आर, नहीं फरीन सी आर नहीं, मैं यहाँ पे एक ऑल्ट सी से लेजर बना देती हूँ, फिर नाम डाल दिया दिनेश सी आर, ठीक है ना। और इसको मैंने सेंडरी क्रिएटर के अंदर रख लिया है, ये देखिए सेंडरी क्रिएटर। और अगर मैंने यहाँ पे स्टेट चेंज कर ली, यानी कि ये जो मेरा क्लाइंट है ये चंडीगढ़ का नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार का है, और यहाँ पे इसमें जीएसटी नंबर ले लेते हैं इसका, इसका कोड अंडमान एंड निकोबार का 35 होता है, तो मैंने 35 ले लिया है। और 5 इंग्लिश के वर्ड्स ले लेंगे, 4 मैथ्स के, 1 इंग्लिश 1 मैथ्स। और यहाँ पे जब मैं आऊंगी और टैक्स पे करूंगी, यानी कि मैंने ये परचेज अकाउंट अब क्या करा है, इससे भी सीलिंग फैन ही खरीदे हैं मैंने 10 पीस, ठीक है ना, और इससे मैंने 3000 रुपए का एक पीस खरीदा है। तो अब जो यहाँ पे टैक्स लगेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा, जैसे मैंने लेजर बनाया आईजीएसटी का, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे टैक्स में, ठीक है ना, ये पुराने वाला ही है। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी ले लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे आईजीएसटी है तो, ये देखिए और कोई जीएसटी लगे। और इसी तरीके से अगर आपको सेल्स करना है, आप सेल्स में जाइए, अगर आप अदर स्टेट से सेल करेंगे तो आपको अदर स्टेट में आईजीएसटी लगानी पड़ेगी, और सिंपली अपने स्टेट में सेल्स कर रहे हैं, ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर मैं फरीन के साथ में डीलिंग करूंगी तो मुझे यूटी जीएसटी टैक्स लगाना है। ये देखिए मैं सेल्स करके दिखाती हूँ आपको, सीलिंग फैन मेरे पास में 35 पीस है, तो मैंने यहाँ पे 20 पीस बेच दिए हैं और 4500 रुपए के हिसाब से बेचा है। अब ये मैंने कहाँ सेल किया है, अपने ही इसमें किया है, सीजीएसटी लगेगी प्लस यूटी टैक्स लगेगा,
ये आ गया हमारा UTGST टैक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया होगा, यदि कोई दिक्कत लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। और इसका बिल भी ऑल्ट पी से आप फ्रेंड देख सकते हैं, और डिस्प्ले में जाने के बाद में आप चाहें तो इसकी सारी स्टेटरी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। आप स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये देखिए, तो जीएसटी, जीएसटी आर टू, देखिए जीएसटी आर टू में आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इनवॉइसेस टू, टैक्सेबल वैल्यू 92,000, टोटल टैक्स 11,000, ये देखिए, ये दिखा रहा है फ्रेंड्स, ये जीएसटीआर नंबर है आपका, दिनेश सीआर से आपने खरीदा है और फरीन सीआर से खरीदा है, ये आईटी वैलिड टैक्स पेड आपको इतना दिखा रहा है। आप इसको एंटर करेंगे तो ये पूरी वैल्यूज दिखाएगा आपको कि आपका सेंट्रल टैक्स इतना है और यूटी टैक्स, ये चंडीगढ़ का है, ठीक है ना, ये देखिए आप केपकी से बाहर आ जाएंगे, नीचे भी आप देख सकते हैं इसका जीएसटीआर नंबर दिया हुआ है, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट दिखा रहा है आपके पास में। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको आता ही है दोस्तों चेक करना, ओपनिंग स्टॉक आपके पास में इतना है, परचेजिंग आपने इतने की करी, ग्रॉस प्रॉफिट आपको इतना हुआ है, सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज ना समझ में आए तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।